हेलो फ्रेंड्स, मैं सर पवन गर्ग और हम बेसिक मैथमेटिक्स का सेकंड पार्ट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन में कुछ फॉर्मूलाज है जो हमारे फिजिक्स में काम आते हैं, वो है फर्स्ट एक्स टू द पावर एन। एक्चुअली इंटीग्रेशन इज द एरिया ऑफ कर्व, एरिया अंडर द कर्व बोल सकते हैं हम इसको। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन लगभग रिवर्स प्रोसेस है। अगर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर कोई दूसरा फंक्शन आता है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करने पर वापस से फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा। तो इसके फॉर्मूलाज भी इसी तरह से बने हुए हैं। जैसे फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा अपने आप। इसमें कंडीशन है प्रोवाइडेड एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। माइनस वन के लिए फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि यहां पर इनडिटर्मिनेट नंबर आ जाएगा। तो एक्स टू द पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ये इन्हें हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। अगर यहां पर आगे जाके हम लिमिट लगाना सीखेंगे तो अगर ये हो जाएगा डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस कोई कॉन्स्टेंट होता है, ये कॉन्स्टेंट इनिशियल वैल्यू ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड इज इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, ये होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ध्यान रखना डिफरेंशिएशन में साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स आया था, इंटीग्रेशन में माइनस कॉस एक्स प्लस सी। मैं आपको याद दिला दूं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता था। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो गया। सिमिलरली थर्ड इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस एक्स होता था। इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स, तो सोचो वन बाय एक्स इसका डिफरेंशिएशन होता था लॉग एक्स का, तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन एक्स प्लस सी या लॉग एक्स बेस ई प्लस सी। इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी वही होता था, इंटीग्रेशन भी यही रहेगा ई टू द पावर एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर डिफरेंशिएशन होता था टेन एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा टेन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस कोट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हमारे बहुत काम आता है। वन बाय एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर माइनस टू हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस टू प्लस वन। माइनस वन यानी एक्स टू दी पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, तो हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सी। तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन के कोई भी कॉन्स्टेंट हो और डी एक्स के साथ आ रहा है, तो के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डीएक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन डीएक्स एक्स होता है, तो इसका मतलब के एक्स प्लस सी। ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है इंटीग्रेशन में जो हमारे फिजिक्स में काम आएंगे। इसके अलावा लॉग के कुछ फॉर्मूला जो हमारे काम आते हैं, लॉग एम इन टू एन, ये होता है लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग एम अपॉन एन, ये होता है लॉग एम माइनस लॉग एन लॉग एम टू दी पावर एन। तो एन आगे आ जाएगा एन लॉग एम।
ध्यान देना, लॉग एम इंटू लॉग एन होगा तो वो लॉग एम प्लस लॉग एन नहीं होगा। अच्छा, तो हमें एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो यहाँ एन की जगह टू आ रहा है, तो ये जाएगा एक्स टू द पावर टू प्लस वन यानी थ्री अपॉन टू प्लस वन यानी थ्री प्लस सी, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स लू तो ये जाएगा एक्स टू द पावर थ्री प्लस वन यानी फोर अपॉन फोर प्लस सी। तो इस तरह से हम इनके बेसिक फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन साइन थ्री एक्स डी एक्स, तो इसका जो बेसिक तरीका होता है, हम थ्री एक्स को कोई वेरिएबल पुट कर लेते हैं। सपोज मैंने यू मान लिया एक वेरिएबल, यू इक्वल टू थ्री एक्स, तो उस केस में मैं ये कर सकता हूँ डी यू बाई किसी भी अनदर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डी यू बाई डी टी इक्वल टू थ्री इंटू डी एक्स बाई डी टी, या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ दैट डी यू इक्वल टू थ्री डी एक्स, या डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी यू बाई थ्री। तो अगर मैं यहां पर लिखूं, क्योंकि तो मुझे साइन थ्री एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता था, तो मैंने थ्री एक्स को यू मान लिया, तो इस केस में ये कन्वर्ट हो गया साइन यू, इसका मुझे पता है, बट डी एक्स को के रेस्पेक्ट में नहीं पता, यू के रेस्पेक्ट में पता है, तो डी एक्स की जगह पर लिख देंगे डी यू बाई थ्री। वन अपॉन थ्री कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस यू प्लस सी, यू की वैल्यू वापस से पुट कर देंगे तो जाएगा माइनस वन अपॉन थ्री कॉस थ्री एक्स प्लस सी। देखा जाए तो हर बार ये जो कांस्टेंट है वो नीचे की तरफ आएगा इस प्रोसीजर में, यानी मैं डायरेक्ट भी बोल सकता हूँ कि साइन थ्री एक्स का डायरेक्ट डिफरेंस इंटीग्रेशन कर दो कॉस माइनस कॉस थ्री एक्स, और जो कांस्टेंट है वो अपॉन में नीचे रहे। इसी तरह से अगर मैं पूछूं सेक टू टी टेन टू टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है, तो इस केस में मैं जानता हूं सेक एक्स टेन एक्स का किसका डिफरेंशिएशन होता था, सेक एक्स का, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर टाइम का फंक्शन है, तो ये हो जाएगा सेक टू टी, ये तो इसका इंटीग्रेशन हो गया इस पूरे का, और जो कांस्टेंट है वो अपॉन में आ जाएगा यानी सेक टू टी अपॉन टू। अब इसी के साथ हम डेफिनेट इंटीग्रल भी ले लेते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे फिर उसके बाद लिमिट रख लेंगे। लिमिट में पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि लिमिट हमेशा वेरिएबल की रखी जाती है, फंक्शन की नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं हम इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई थ्री साइन थ्री एक्स डी एक्स, तो हम जानते हैं साइन थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थ्री एक्स अपॉन थ्री। लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट इज जीरो अपर लिमिट इज पाई बाई थ्री, तो इसमें माइनस वन बाई थ्री बाहर आ जाएगा। अब कॉस थ्री एक्स, इसमें वेरिएबल कौन है एक्स, तो पूरे कॉस थ्री एक्स की जगह पाई बाई थ्री नहीं रखेंगे, एक्स की जगह पाई बाई थ्री रखेंगे, तो जाएगा कॉस थ्री इंटू पाई बाई थ्री माइनस कॉस थ्री इंटू एक्स की जगह जीरो, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस पाई इज माइनस वन माइनस ऑफ कॉस जीरो इज वन, माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, दैट मीन आंसर विल बी टू बाई थ्री। इंटीग्रेशन माइनस टू टू वन फाइव डी एक्स,
फाइव कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, लिमिट -2 से 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस ऑफ -2 ब्रैकेट क्लोज, एक्स की जगह 1 रख दिया, माइनस लगाया, एक्स की जगह -2 रख दिया, 1 माइनस -2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 2 3, 3 इंटू 5 आंसर विल बी 15। इंटीग्रेशन -4 टू -1 पाई बाय 2 डी थीटा, इसमें पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी -4 से -1, पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट, लिमिट रखेंगे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +4 -1 ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आंसर इज 3π/2। अब हम डिफ्रेंसिएशन की एक एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। किसी भी फंक्शन जो कि एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है उसका मैक्सिमा या मिनिमा हमें फाइंड आउट करना है। मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट फाइंड आउट करने का एक ही तरीका है, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और उसे जीरो के बराबर पुट कर देंगे। अब जो नया फंक्शन आएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद जीरो के बराबर पुट करेंगे उससे एक फंक्शन आएगा, अब उसका अगर हम दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं और वो डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो आ जाता है वैल्यू पुट करने पर, तो उस केस में वो मिनिमा होगा, और अगर लेस देन जीरो आ जाता है तो वो मैक्सिमा होगा। तो हम देखते हैं, जैसे इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमें एक फंक्शन दिया हुआ है वाई इक्वल टू 2x³ - 15x² + 36x + 11। अब मुझे इसे इसका मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना है। यह मैंने वो एग्जांपल लिया है जिसमें मैक्सिमा और मिनिमा दोनों आएंगे, जरूरी नहीं है, कोई फंक्शन ऐसा भी हो सकता है जिसमें दोनों में से एक ही आए, केवल मैक्सिमा है या केवल मिनिमा है। तो मैक्सिमा और मिनिमा दोनों आएंगे। अब इसमें क्या तरीका है, फर्स्ट सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करके जीरो के बराबर पुट कर, तो हमें dy/dx = 0 पुट करना है। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x - 15 × ये 2 आगे आ जाएगा, 15 × 2 = 30x प्लस 36 कॉन्स्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, प्लस 11 कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, = 0। ये हो जाएगा 6x² 3 × 2 = 6x² -2 × 15 = 30x + 36 × x^1। तो ये 6² - 30x + 36 + 0 = 0 हो गया। अब इसमें से अगर मैं 6 कॉमन ले लूं तो वो 0 के नीचे चला जाएगा खत्म, तो x² - 5x + 6 = 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इस किसी भी तरह से कर सकते हैं, इसको हम फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं, तो ये जाएगा x² - 3x - 2x + 6 = 0। इससे मेरे पास आएगा x - 3 × x - 2 = 0। तो x की दो वैल्यू आ गई 2, 3, 2 और 3 दो वैल्यू आ गई। अब हम दो तरीके लगा सकते हैं, या तो इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करके पता लगा लें कि 2 मैक्सिमा पर आ रहा है या 3 मिनिमा पे आ रहा है, या 3 मैक्सिमा पे आ रहा है 2 मिनिमा पे आ रहा है,
दूसरा तरीका, इस वैल्यू को फंक्शन में डाल देते हैं, जिसमें ज्यादा वैल्यू आ रही होगी तो वो मैक्सिमम हो जाएगा, कम आ रही होगी तो मिनिमम हो जाएगा। तो अगर मैं इसको फंक्शन में डाल के देखता हूं, तो फंक्शन ऑफ टू, एक्स की जगह इस फंक्शन में टू डाल देते हैं, तो जाएगा टू इंटू एक्स क्यूब, दैट इज टू का क्यूब, माइनस 15 इंटू टू का स्क्वायर, प्लस 36 इंटू टू प्लस 11। इसे सॉल्व करेंगे हम तो ये आएगा 39। अगर मैं फंक्शन ऑफ थ्री निकालता हूं तो ये आएगा टू इंटू थ्री का क्यूब, माइनस 15 इंटू थ्री का स्क्वायर, प्लस 36 इंटू थ्री प्लस 11। इसे सॉल्व करने पर आएगा 38। तो ऑब्वियसली 2 पर फंक्शन ज्यादा वैल्यू दे रहा है, 3 पर कम दे रहा है, इसका मतलब 2 विल बी मैक्सिमा पॉइंट एंड 3 विल बी मिनिमा पॉइंट।